सबसे पहले तो निर्धारित समय से पहले पत्रकार गोष्ठी बुलाने के लिए और आपको थोड़ी असुविधा देने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। जब कुछ पत्रकार साथी लखनऊ से हों तो थोड़ा सा वो अंदाज़ भी आवश्यक है। दिल्ली सल्तनत के औरंगज़ेब से भी क्रूर तानाशाह बादशाह श्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को 43 साल पुराने 21 महीने के आपातकाल और प्रजातंत्र का पाठ पढ़ाया। ये भूल गए कि औरंगज़ेब ने तो केवल पिता को बंधक बनाया था, पर 49 महीने के अघोषित आपातकाल में आज के औरंगज़ेब मोदी जी ने तो स्वयं की पार्टी सहित पूरे प्रजातंत्र को बंधक बना लिया। 43 साल पहले कांग्रेस और श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक व्यापक लड़ाई लड़ी थी। ये लड़ाई थी रियासती राजाओं के प्रीवी पर्सेस को ख़त्म करने की, जिन्हें तब भी जनसंघ का संरक्षण प्राप्त था। ये लड़ाई थी भूमि सुधार और लैंड सीलिंग के माध्यम से जमींदारी प्रथा ख़त्म कर जमीन के काश्तकारों, दलितों व वंचितों को उनका अधिकार दिलवाने की, जिन जमींदारों को जनसंघ का संरक्षण प्राप्त था। ये लड़ाई थी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर बड़े बड़े धन्ना सेठों से अलग कर गरीबों के लिए बैंकों के दरवाजे खोलने की, क्योंकि वो सारे धन्ना सेठ जनसंघ की जेब में बैठे थे। ये लड़ाई थी मुनाफाखोरों, जमाखोरों और सूदखोरों से देश के गरीब को आज़ादी दिलवाने की, जिनको तत्कालीन जनसंघ और जनता पार्टी का संरक्षण था। मोदी जी, जनसंघ और जनता पार्टी की विचारधारा तब भी राजा महाराजाओं, जमींदारों, मुनाफाखोरों और सूदखोरों और मुट्ठी भर बड़े लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की थी, और आज भी 43 साल बाद सूट बूट की मोदी सरकार उसी का परिचायक है। 43 साल पहले 21 महीने के आपातकाल का रुदान कर क्या मोदी जी भटका रहे हैं देश का ध्यान? क्या कांग्रेस पर भड़ास निकालने से मोदी जी के झूठे जुमलों पर पर्दा डल सकता है? क्या इंदिरा जी को कोसने से वायदा किए हुए किसान को लागत पर 50% मुनाफा मिल सकता है? क्या आपातकाल की दुहाई देकर ही अच्छे दिन आ जाएंगे? क्या 43 साल पुराने इतिहास की चर्चा कर देश में 80 लाख करोड़ का काला धन 100 दिन में आकर 15-15 लाख सबके खातों में डल जाएगा? क्या केवल कांग्रेस को कोस कर मोदी जी 2 करोड़ रोजगार हर साल देने के वादे से युवाओं से पीछा छुटा पाएंगे? क्या विरोधियों की मात्र आलोचना से मोदी शासन में 49 महीने से हो रहे दलितों के अत्याचार बंद हो जाएंगे? क्या कांग्रेस के खिलाफ मात्र दुष्प्रचार से 49 महीने में भाजपा संरक्षण में महिलाओं पर हो रहे अपराध और बलात्कार करते दुराचारियों से हम मुक्ति पा जाएंगे? क्या हमें कोस कर 49 महीने से भाजपा द्वारा आए दिन पैदा की जा रही सामाजिक बंटवारे और नफरत की दीवार को पाट पाएंगे? क्या केवल इतिहास का उदाहरण देकर चौपट धंधे और लुटती अर्थव्यवस्था से ध्यान भटका पाएंगे?
क्या इतिहास के पन्नों को तोड़ मरोड़ कर आप भारत की विविधता और बाहुल्यवादिता को खत्म करने के षड्यंत्र से बच पाएंगे? मोदी जी उदाहरण दे रहे थे एक बूढ़ी माँ का, जो एक नोट लेकर बस में डोनेशन मांग रही थी, पर भूल गए कि 2017-18 में तो वही एक बूढ़ी माँ नोट भी खुद का लेकर लाइन में खड़ी थी कि नोट बदल दीजिए ताकि बच्चे की जान बच जाए, पर बच्चे की जान चली गई। मोदी जी की सरकार ने उस बुढ़िया के नोट नहीं बदले। तो 49 महीनों के आज के औरंगजेब के कार्यकाल में सवाल पूछने पर क्या हर व्यक्ति को देशद्रोही करार नहीं दिया जाता? क्या खुद के गुरु श्री लाल कृष्ण अडवाणी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जबरन मार्गदर्शक मंडल में नहीं भेज दिया जाता? क्या फसल की कीमत मांगने वाले किसान को पुलिस की गोलियों से मौत की घाट नहीं उतार दिया जाता? क्या 49 महीने से दलितों को सरेराह पीट कर, अपमानित कर, हत्या और आत्महत्या के लिए मजबूर नहीं किया जाता? क्या 49 महीने में बेटियों और महिलाओं को सरकारी संरक्षण प्राप्त बहेशियों की हवस का शिकार नहीं बनाया जाता? क्या 49 महीने से देश की सर्वोच्च न्यायालय के जजों को न्याय मांगने के लिए जनता के दरबार में गुहार लगाने पर मजबूर नहीं किया जाता? और क्या आवाज उठाने पर, मीडिया के साथियों की आवाज का गला घोटने पर मजबूर नहीं किया जाता? क्या धर्म, जाति, भोजन, तौर तरीके, वेशभूषा के आधार पर पूरे देश में आज व्यक्तियों को सरेआम और सरेराह कत्ल नहीं किया जाता? क्या जीएसटी और नोटबंदी के माध्यम से देश के धंधे और व्यवसाय को चौपट नहीं किया जाता? क्या संसद को एक व्यक्ति के झूठे दंभ की प्रकाष्ठा पर नहीं बंधक बनाया जाता? और क्या एक व्यक्ति के महिमा मंडन के लिए 1100 करोड़ रुपए प्रति साल के ढोल और नगाड़े बजाकर सरकार का पैसा, जनता का पैसा नहीं गवाया जाता? दोस्तों, सच्चाई ये है कि मोदी जी अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए इतिहास से प्रतिशोध ले रहे हैं, पर ये भूल गए कि वो स्वयं इतिहास बनने वाले हैं। 1977-78 में भी जिस जनता पार्टी को आप लेकर आए थे, 1984 तक इस देश की जनता ने उसे 2 सीटों पर पहुंचा दिया था। आपके अहंकार और बेलगाम बातों के चलते 2019 में एक बार फिर उस जनता पार्टी का, जिसे आज बहुत झूठी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी कहते हैं और बहुत झूठे प्रधानमंत्री का, यही हश्र होने वाला है। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। He's been raising his hand just in neighborhood, so after that you. जी जरूर। उनचास महीने से अघोषित आपातकाल इस देश में है, जिसकी व्याख्या मैंने अभी अभी आपके समक्ष की। सबसे पहला जवाब, मोदी जी को 43 साल पुराने 21 महीने के आपातकाल पर जनमत नहीं मिला। मोदी जी को जनमत मिला था अच्छे दिन के आधार पर, गुड गवर्नेंस के आधार पर,
80 लाख करोड़ काला धन वापस लेकर आने के आधार पर, 15 लाख हर खाते में डलवाने के आधार पर, किसान को लागत पर 50% मुनाफा देने के आधार पर, 2 करोड़ रोजगार हर साल युवाओं को देने के आधार पर, दलितों और आदिवासियों के घर में दीपक जलाने के आधार पर, ध्यान मत भटकाइए, सच बताइए, 49 महीने से जिस क्रूर औरंगजेब रूपी शासक ने इस देश के प्रजातंत्र को बंधक बनाया है, उसको जवाब तो देना पड़ेगा। आपने जो दूसरा प्रश्न पूछा हमारे सम्मानित साथी के सवाल से जुड़ा हुआ, मैं केवल ये कहूँगा कि मर्यादाएं, परंपराएं और परिपाटी, उन तीनों का सार्वजनिक चीरहरण मोदी सरकार में अब चाल चेहरा और चरित्र बन गया है। दुर्भाग्य से संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति भी जब सरेराह उन मर्यादाओं, परंपराओं और परिपाटियों की हत्या करेंगे, तो मैं केवल ये कह सकता हूं कि इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों से लेकर इस देश का हर वो व्यक्ति जिसका प्रजातंत्र की परंपराओं में विश्वास है, हर उस व्यक्ति की आत्मा अवश्य आहत हुई होगी। मैम, यू वांटेड टू आस्क। गलती से वो पहला वाक्य सही बोल गए। मोदी जी के शासन में भय का माहौल तो है ही, पत्रकारों को बाकायदा जिन व्यक्तियों को प्रधानमंत्री मोदी फॉलो करते हैं वो बलात्कार और हत्या की धमकियां देते हैं, और अब तो देश की विदेश मंत्री को भी धमकियां मिल रही मोदी जी के प्रशंसकों और चाहने वालों के द्वारा। आतंक तो है ही, क्योंकि समाज में बंटवारे और नफरत की राजनीति का संरक्षण प्रधानमंत्री कार्यालय से हो रहा है और प्रधानमंत्री निवास से हो रहा है और खुद प्रधानमंत्री की सोच से हो रहा है। लोगों को भयभीत करने, आतंकित करने, डराने, धमकाने, दबाने, इस प्रकार की शब्दावली, भाषा, तरीका और चरित्र, उसकी शुरुआत खुद प्रधानमंत्री मोदी जी की वाणी और उनकी भाषा से होती है, तो भय और आतंक का वातावरण तो होगा ही। अर्थव्यवस्था को तोड़ने की साजिश अब वित्त मंत्रालय में रची जाती है। लुटेरों को संरक्षण कैसे मिले और कैसे वो देश का पैसा लूटकर फरार हो जाएं, इसके लिए बार बार अनेकों लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है सरकार के संरक्षण में। संविधान की मान्यताओं और परंपराओं को संसद के अंदर बंधक बना लिया जाता है सरकार के द्वारा, और संसद के बाहर उसके परकच्चे उड़ा दिए जाते हैं, तो भय और आतंक तो होगा ही। भय और आतंक तो होगा ही जब सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे सम्मानित और सबसे बड़े न्यायाधीशों को न्याय की गुहार के लिए जनता के दरबार में आवाज लगानी पड़ती है। भय और आतंक तो होगा ही जब दलितों को, आदिवासियों को सरेराह खड़े कर निर्वस्त्र कर पीटा जाता है, या फिर शादी के समय घोड़े पर सवारी की, कुएं से पीने के पानी की, मौलिक अधिकारों की, शिक्षा और स्वाभिमान के अधिकारों से उन्हें वंचित कर दिया जाता है। भय और आतंक तो होगा ही
जब न्याय मांगने वाले, अपनी मेहनत की कीमत मांगने वाले किसान को के सीने पर पुलिस की इतनी गोलियां दागी जाती हैं कि उसके शरीर को, उसके शव को पहचानने में भी परिवारजनों को मुश्किल आए। भय और आतंक तो होगा ही जब पूरे देश को बैंकों की लाइन में खड़े कर लुटेरों और चोरों को पीछे से पैसा तब्दीली की इजाज़त दे दी जाती है और देश की जनता लाइन में खड़े खड़े 76 से अधिक लोगों को को मौत की नींद सुला दिया जाता है। भय और आतंक तो आदरणीय मित्र होगा ही जब प्रधानमंत्री स्वयं सार्वजनिक मन से चेतावनी देकर लोगों को और प्रांतों को डराते हैं कि या तो वो उनकी विचारधारा में सम्मिलित हो जाएं, नहीं तो पूरे प्रदेश को डेवलपमेंट के पैसे से महरूम कर दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि हर प्रजातंत्र में विश्वास रखने वाले हर नागरिक को इस भय और आतंक से चिंता करने की आवश्यकता है। मैम, औरंगजेब नेवर टुक लेसन्स फ्रॉम एनीबडी। ही मेड हिज फादर, यू नो, ही अरेस्टेड हिज ओन फादर। Why should Prime Minister Modi need to take any lesson from anybody? For you can look from petrol pump to Prime Minister's house. Everywhere there is only one man on whose Mahima Mandan you spend from public exchequer 4,600 crore already, 1,100 crore rupees a year. So dictators don't need lessons. Only history teaches them lessons, and people do. And I'm certain that Modi ji will meet the same fate as a many other dictators did. Sir, I'll come to you, ma'am. You first. आदरणीय साथी, मैंने बड़ा तफसील से इस प्रश्न का जवाब दे दिया है। मैम, यू वॉन्टेड टू आस्क। लेट मी कोट महात्मा गांधी। टिल अबाउट ए ईयर अगो मोदी जी यूज टू मॉक द कांग्रेस पार्टी, नाउ ही इज अटैकिंग द कांग्रेस पार्टी। महात्मा गांधी यूज टू से फर्स्ट दे विल मॉक यू, देन दे विल अटैक यू, एंड देन दे विल बी डिफीटेड बाय यू। सो मोदी जी इज ऑलरेडी इन सेकेंड फेज विच इज एंडिंग एंड 2019 Democracy and people of India, along with the Congress party, will win when he'll be decimated. Thank you. Ashish ji. पहले मुझे, मैं भूल जाऊंगा, मैंने जैसा आपको कहा कभी हरियाणा के व्यक्ति से दो सवाल लगातार नहीं पूछने चाहिए। मैं पहले भी आपको बताया है आदरणीय साथी, भारतीय जनता पार्टी के शासन में देश की आजादी के 70 वर्ष बाद पहली बार आरएसएस और भाजपा के नेताओं द्वारा आदरणीय मोहन भागवत जी से लेकर और भाजपा के अनेकों नेताओं द्वारा आरक्षण पर पुनर्विचार की चर्चा की गई, दलितों पर लगातार अत्याचार किए गए, मोदी जी द्वारा अनुसूचित जाति यानी एससी और एसटी और जनजाति सब प्लान को खत्म कर दिया गया, एससी और एसटी की जो डेवलपमेंटल स्कीम्स हैं उनकी संख्या भारी संख्या में कम कर दी गई, यहां तक कि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज ऑन शेड्यूल कास्ट एक्ट तक को एक तरह से सरकारी
दबाव और संरक्षण और उनकी दलीलों के चलते वो एक तरह से कानून खत्म हो गया। आदरणीय महामहिम जी, अगर ये सारी राय बजाय उन गरीबों को देते जिन पर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, थोड़ी सी राय मोदी जी को भी दे देते और मोहन भागवत जी को, तो शायद कल्याण ही हो जाता। दूसरा प्रश्न। उनको शुभकामनाएं। आदरणीय साथी, इस पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जो हमें कहना था हम कह चुके। किताब छपवाने के लिए कई प्रपंच कई व्यक्ति करते हैं और बिकवाने के लिए हमने उन सब प्रपंचों को सिरे से खारिज कर दिया है। धन्यवाद।